दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि लैंडिंग की जो कॉल होती है एलओपी की, डाउन कलेक्टिव, बहुत कलेक्टिव पर बता दो क्या होता है। जब डाउन कलेक्टिव होगा दोस्तों एक ही होगा, अप वन ही यूज़ होगा, बाकी सारे यूज नहीं होंगे। सारे डाउन में डालना, सारे एलओपी की अगर बहुत है, डबल बटन है तो आपका अप में डाउन का डाउन में डालना है। ओके दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगर आपको डाउन कलेक्टिव है तो उसमें सिर्फ एक अप सबसे नीचे का अप आएगा, सबसे ग्राउंड फ्लोर जो सबसे नीचे की ओपनिंग होगी, बाकी सारे आएंगे डाउन में, डाउन वन, डाउन टू, डाउन थ्री, ऐसे लाइन से आएंगे। दोस्तों आप एक पैरामीटर सेटअप करते हैं, कैसे हमें सेटअप करना है। पैरामीटर सिमिलर सेटअप होगा, कोई इशू नहीं होगा उसमें। तो दोस्तों हमें एफ में जाना है, एफ तेरह होगा पैरामीटर, F13। तो वन करके इसको 13 बनाते हैं, 13 बन गया। अब दोस्तों इसमें जाना है, अब वन का तो कोई नहीं भाई। अब L1 को हमें करना 201, ये 201 नहीं होगा, ये हमारा LOP का है। तो LOP, ये तो COP का इसमें पैरामीटर डाला हुआ है 213 में, हमें LOP का डालना है। COP वाले में जो हमने बताया था, L29 में जाना है, L29 के वन में डालना है, L29 के वन में 201, 202 ये यहाँ पर डाला हुआ, ये गलत डाला हुआ है। तो हम डिफाइन करते हैं पहले LOP का अलग डालेगा, पैरामीटर गलत डाला हुआ है, ये COP का पैरामीटर यहाँ पर डाला हुआ है। तो हम इसे 0 करके हमें LOP का पैरामीटर कैसे डालेंगे वो दोस्तों। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, तो यहाँ पर ये L13 का पैरामीटर लैंडिंग की कॉलिंग के लिए होता है। तो L1 में हमें L1 में आप वन का डालना है, माने ग्राउंड फ्लोर का। L2 में डालना है आप टू का, आप थ्री का, आप फोर का, आप फाइव तक का ये डालना। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे पैरामीटर सेटअप होगा, वो आपको मैं वीडियो में दिखा देता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हो कि आपको जो है ना P29 के इसमें एक चीज़ कन्फ्यूजन करेगा आपको, वो कन्फ्यूज नहीं होना। जो ये 211 212 है, ये P29 के वन में डालना 201, टू में डालना 202, और थ्री में 211 212 ये COP का है। तो आपको कम्युनिकेशन कार्ड है, तो कम्युनिकेशन के कार्ड के हिसाब से आपको कम्युनिकेशन वाले कार्ड में डालना P29 के पैरामीटर में ये L11 है। और हमें L13 में डालना है, हमें L13 में जो डालना है वो ये वाला डालना है दोस्तों। एक ये 221 से शुरू करना, 221 सबसे नीचे की लैंडिंग के लिए होगा, 222 उसके ऊपर वाली लैंडिंग के लिए होगा। तो हम यहाँ शुरू करते हैं। पहले दोस्तों P29 में जाके आपको वो जो पैरामीटर है ना उसको आपको हटाना पड़ेगा ना। तो यहाँ अगर पैरामीटर एक डाला होगा और उसको रिपीटली डालोगे तो नहीं लेगा पैरामीटर। तो P29 में चलो, P29 के 0 वन में 0 है, टू में 0 है, थ्री में 0 है, फोर में 0 है, फाइव में 0 है, सिक्स में 0 है, सेवन में 0 है, एट में 0 है, नाइन में 0 है, टेन में 0 है। हमने यहाँ 0 कर रखा है। ओके, अब चलते हैं P13 मैंने बताया ना, P13 का लैंडिंग के लिए है। तो वन में 0 करा, टू में 0 करा, थ्री में 0, फोर में 0 करना पड़ा, सब में 0 करना पड़ेगा पहले, उसके बाद लाइन से हम सेटअप कर देंगे। डाला है ना, अब इसको मैं जल्दी जल्दी 0 करेगा, हो गया, और नौ को भी 0 करेगा। ये COP का पैरामीटर डाला हुआ है, तो इसको 0 कर दिया। इसको 10 भी 0 है, 11 भी 0, 12 भी 0 है। अब चलते हैं दोस्तों, हमें चलना है L1 पे। L1 को क्या करना है, 211 ग्राउंड फ्लोर, यहाँ L1 को 211, L2 को 212, ऐसे लाइन से अब सेटअप अभी चल रही है। तो L2 को 212, L3 को 213, L4 को 214, ऐसे लाइन से आपको पूरा सेटअप कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप लैंडिंग का कनेक्शन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिंपल सा कि आप सबसे नीचे वाला फ्लोर को अप वन पे डाल देना, बाकी सबको लाइन से डाउन पे डाल देना। जितने डाउन मैं G+4 है, तो G+4 है तो ये ग्राउंड फ्लोर का होगा अप पे, बाकी डाउन वन से लेकर डाउन फोर तक आएगा। ओके दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी तरह समझ में आएगा लैंडिंग का कैसे वायरिंग करना है, और पैरामीटर कैसे सेटअप करना है। COP का पैरामीटर मैंने बताया कैसे सेटअप करना है, IO कार्ड में जो कार्ट ऑफ पे कार्ड लगा हुआ है, क्योंकि ये सिंगल ट्रेवलिंग की वजह से चलती है। तो एक कार्ट ऑफ पे कार्ड है जो सारे COP कार्ड के इनपुट यहाँ पे आएंगे। और दोस्तों उसके बाद स्लोइंग की बात करें, RSL1, RSL2, डाउन अप स्लोइंग, डाउन स्लोइंग है। उसके बाद ये डोर जॉन का है, अप स्लोइंग डाउन स्लोइंग के लिए एक लिमिट लगती है, SL1 SL2 अप डाउन स्लोइंग, जो लिमिट मैग्नेट लगता है ना, सीडी स्विच है, 3 स्विच लगता है इसमें, एक डोर जॉन के लिए, एक अप के लिए, एक डाउन के लिए। ओके दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पे भी RSL2 अप डाउन के लिए है। ओके दोस्तों, एरो के लिए बता दिया मैंने सब कुछ, और आपको लैंडिंग का बता दिया कि बटन सेलेक्शन कैसे करना, वो भी हमने आपको पैरामीटर सेटअप से बता दिया।